दोस्तों DSSB की तरफ से नई रिक्रूटमेंट आ गई है ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए। हाँ जी दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो आप एलिजिबल हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, चाहे आपने BA, BSc, BCom कर रखी हो, किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी हो आप आवेदन कर सकते हैं। कुल 990 पद हैं, बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। DSSB की तरफ से आ रही है तो जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली रहेगी। पे स्केल है 47,600 से 1,51,100, लगभग 50,000 रुपए के आसपास। बिल्कुल स्टार्टिंग में लगते ही आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूं। आप कहां कैसे जाके आवेदन कर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन इनके लिए निर्धारित की गई है, एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कितना मिल जाएगा और सिलेक्शन प्रोसेस इनका क्या है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ये है दोस्तों विस्तृत विज्ञापन 12/1/2024 नोटिफिकेशन पे डेट डली हुई है, पर ये आज 15/1/2024 को ऑफिशियल वेबसाइट पे डिटेल्ड नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है। शॉर्ट नोटिफिकेशन 13/1/2024 को जारी कर दिया गया था। 18 जनवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो कि 8 फरवरी 2024 तक जारी रहेगी। सबसे पहले हम पदों का विवरण देखते हैं, नहीं तो पदों का विवरण भी हम साथ साथ ही देख लेंगे जहां एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दी गई है। ये देखिए दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट, पोस्ट कोड 801/24, डिपार्टमेंट का नाम है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, पद का नाम है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है, कुल 41 वैकेंसियां हैं, अनरिजर्व्ड के 18, ओबीसी के 7, एससी के 7, एसटी की 5, ईडब्ल्यूएस की 4 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी सी की 6 वैकेंसियां हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो और आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 110 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की और 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपराइटिंग होनी चाहिए। पे स्केल 47,600 से 1,51,100, पे लेवल 8 ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 27 साल यहां निर्धारित की गई है, मिनिमम 18 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी, किसे कितनी छूट मिलेगी वो जानकारी नीचे इस नोटिफिकेशन में प्रोवाइड कराई गई है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स डिपार्टमेंट का नाम है, पर्सनल असिस्टेंट के 367 पदों के लिए भी रिक्रूटमेंट आई हुई है, अनरिजर्व के 43, ओबीसी के 153, एससी के 70, एसटी के 43, ईडब्ल्यूएस के 58, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी सी के 24 पद इसमें शामिल है। इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विद शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट एंड हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये ध्यान रखिएगा। किनकी बात हो रही है, पर्सनल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के लिए यहां इनकी बात हो रही है। पे स्केल है 44,900 से 1,42,400, पे लेवल 7 ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है, एज लिमिट अनरिजर्व्ड के लिए 18 से 27 साल। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट्स में पर्सनल असिस्टेंट की 16 वैकेंसियां हैं, अनरिजर्व्ड की 5, ओबीसी की 2, एससी की 3, एसटी की 3, ईडब्ल्यूएस की 3। इनके लिए भी ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। पे स्केल सेम वही है, 44,900 से 1,42,400, पे लेवल 7 ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है, एज लिमिट भी वही 18 से 27 साल। इसके बाद जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की जो वैकेंसियां हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में वो है 546, 222 अनरिजर्व्ड की, 138 ओबीसी की, 72 एससी की, 60 एसटी की, ईडब्ल्यूएस की 54 वैकेंसियां इसमें शामिल हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए में 6 हैं, बी में 6, सी में 5 और डी और ई में 5 वैकेंसियां हैं। इनके लिए ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर पे। पे स्केल है 29,200 से 92,300, पे लेवल 5 ग्रुप सी की वैकेंसी है, एज लिमिट 18 से 27 साल। इसके बाद जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई हुई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स फैमिली कोर्ट्स में, कुल 20 वैकेंसियां हैं, अनरिजर्व्ड की 8 है, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 1, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए की 1 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट, पे स्केल 29,200 से 92,300, पे लेवल 5 ग्रुप सी की वैकेंसी है, एज लिमिट 18 से 27 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। तो दोस्तों पदों का विवरण आपने देख लिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख ली, पे स्केल एज लिमिट आपके साथ शेयर कर दी गई है। अब बाकी की जानकारी देख लेते हैं, एज लिमिट में किसे कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी। कोई भी भारत का नागरिक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, DSSBonline.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। 18 जनवरी 2024 से आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
और आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी 2024 प्रातः 11 बजे तक है, नहीं रात्रि 11 बजे तक है। 100 रुपए एप्लीकेशन फीस इनके लिए निर्धारित की गई है। वुमेन कैंडिडेट्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी, बाकी के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस यहां निर्धारित की गई है। दोस्तों जहां तक एग्जामिनेशन स्कीम की बात है, इनके लिए 4 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम है। टीयर 1 आपका होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, टीयर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज का, टीयर 3 में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और टीयर 4 में इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो 4 टीयर एग्जाम के बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। जहां तक अपर एज लिमिट में छूट की बात है वो भी देख लेते हैं। एससी एसटी को अपर एज लिमिट 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस को 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी को 15 साल, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी को अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट दी जा रही है। 3 साल की अपर एज लिमिट में छूट गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी दी जा रही है और एक्स सर्विस मैन को पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। मैक्सिमम एज 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।